सो गाइज गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू हिच हाइकिंग अक्रॉस अफ्रीका ऑल 54 कंट्री सफर के ऑफिशियली 14वें कंट्री पड़ाव डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। वो पीछे आपने अभी देखा था सीबीडी एरिया, इस किन्शासा यानी डीआरसी कंट्री का जो कैपिटल है वहाँ से। और इस तरह से आप बोल सकते हो कि मेरी 14वीं सक्सेसफुल लैंड बॉर्डर क्रॉसिंग इस अफ्रीकन जर्नी में हो पाई है, जो मैंने कल 30 मई 2022 को अंगोला से डीआरसी कॉन्गो में एंट्री लिया हुआ। सो गाइज ये जो जर्नी रही अपनी अंगोला के कैपिटल लुआंडा से लेके डीआरसी के कैपिटल किन्शासा तक की, वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव एंट्री हुई मेरे इस पूरे अफ्रीकन जर्नी में। ऑलमोस्ट 40,000 INR से ज़्यादा मैंने स्पेंड किया हुआ है इस कंट्री में एंट्री लेने के लिए, सिर्फ एक दिन के लिए अभी तक। और इसके साथ स्कैम फर्स्ट डे ही होना और करप्शन बॉर्डर पोस्ट पे पीक लेवल पे, यहाँ तक कि डिपोर्टेशन की सिचुएशन को बनाया गया। 3 घंटे तक मैं जद्दोजहद में था बॉर्डर चेक पोस्ट पे अपने आप को सेफ रखने के लिए कि मुझे प्रॉपर स्मूथ लीगल वैलिड एंट्री मिलनी चाहिए ड्यू टू माय वीज़ा। हार्डेस्ट एंट्री सो फार मेरी इस अफ्रीकन जर्नी का मैं आपको बोल सकता हूँ। ये सारी चीज़ें फर्स्ट डे फर्स्ट एंट्री फर्स्ट इंप्रेशन ऑफ DRC यानी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो जिसके लिए जाना जाता है, वो सारा कुछ मेरे साथ हुआ और ये सारा एक्सपीरियंस मैं अपना शेयर करता हूँ आप सबके साथ। तो यार डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो कंट्री की पहली रिक्वायरमेंट जो थी वो था 72 घंटे के अंदर का COVID-19 RT-PCR टेस्ट नेगेटिव आपके पास होना चाहिए, तो वो मुझे कराना था। गुड मॉर्निंग गाइज एंड वेलकम बैक वंस अगेन। सुबह सुबह आप हमें कार में देख रहे हो तो रीज़न ये है कि मैं कराने जा रहा हूँ अपना अगला RT-PCR कोविड टेस्ट। अब ये कितने नंबर का ये अभी भी मुझे नहीं याद है, बट एज यूजुअल ये मेरा बैड लक बोलो आप या क्या, कि जिस भी कंट्री में ट्रैवल कर रहा हूँ वहाँ के रिक्वायरमेंट्स RT-PCR को करा के आना है, और जैसे मैं कंट्री में इंटर या एग्जिट कर रहा हूँ वहाँ से वो रिक्वायरमेंट्स हट जाती है। और आई थिंक मेरे इस ट्रैवलिंग लाइफ का वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव RT-PCR कोविड टेस्ट मैं कराने जा रहा हूँ। अब आपको मैं अभी बताऊँगा तो आप शॉक हो जाओगे। ऑलमोस्ट $200 आप मान के चलिए कोविड टेस्ट का चार्ज इस अंगोला कंट्री में, जिसको बोला जाता है कि वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव कंट्री इन अफ्रीका, उसका ये जीता जागता स्वरूप आपको दिखने वाला है। अब ट्रैवल करना है तो कराना पड़ेगा। अब इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैं यहाँ के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में टेस्ट कराने जा रहा हूँ। तो ये रहे अपने हैमिल्टन ब्रदर, जो कि फर्स्ट डे जिनसे मैं मिला जो पिक करने आए थे, ये फ्रेंड हैं हमारे चंदन सर के, वो रहे ये। हाय चंदन सर, हाउ आर यू? सर बेसिकली हैं उत्तराखंड से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। उत्तराखंड और हिमाचल सर? उत्तराखंड बट इनका गुजराती टच भी है, जिसको मैं बोल सकता हूँ कि ये जूनागढ़ में पले बड़े हैं और अभी अंगोला में है। अफ्रीका में भी इनका काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। और थैंक यू सो मच सर। ओह माय गॉड, थैंक यू सो मच, थैंक यू, दैट इज नॉट करेक्ट। और सपोर्टिंग माय जर्नी इन ब्यूटीफुल वे। आई नो आई कैन से वन ऑफ द बेस्ट मोमेंट्स व्हिच आई हैड इन अंगोला, आई थिंक इन योर हाउस, दैट्स व्हाट आई कैन से व्हाइल टॉकिंग मीटिंग कुकिंग ऑल टुगेदर। And also thank you so much Hamilton bro, for treating in very good way. Such a pleasure. I know even we have not spent so much time together, yes, because yes. Most of the time even I am busy, I know. But it's a great pleasure to be here with all of your gang. Yeah, thank you also. thank you. Any words which you'd like to say, bro? Especially for your country and your people. First is such a pleasure now to be with you. Mm-hmm. Yeah, and I hope that this your journey, mm-hmm. yeah, can go long. You can know all the countries yeah. very well, and try to show mm-hmm. our real history. Yes, exactly. Because you are going inside, very inside, that people cannot go, but you are going there. Yeah. I love a lot your work, the things thanks. That you are doing here. Thanks. It's just a grateful to be with you and. Okay, thank you. And I hope because now you are already in touch with Indian community, so I should expect that soon you are going to visit my motherland, my home country. No, I'm going. As soon as possible, I'm going. So, guys, ये है अपनी जर्नी और अभी मैं पहुंचता हूँ हॉस्पिटल। Não faz isso. Ah.
सो गाइज ये था अपना अगला आरटीपीसीआर कोविड टेस्ट अंगोला कंट्री से यानी 13वीं कंट्री रिजल्ट का वेट करते हैं। सो गाइज ये है अपना आरटीपीसीआर कोविड टेस्ट का रिपोर्ट जो कि था नेगेटिव और इस नेगेटिव रिपोर्ट के बदौलत मैं ट्रैवल कर पाया हूँ DRC किंसासा में। 28 को मैंने कराया था मॉर्निंग 8 बजे टेस्ट अपना, रात के लगभग 7:30 बजे मेरा रिजल्ट जो है वो नेगेटिव आता है। मुझे ट्रैवल करना था 29 तारीख को इवनिंग में क्योंकि लुआंडा जो कि अंगोला का कैपिटल है वहाँ से किंसासा जो कि DRC का कैपिटल है वहाँ तक के लिए डायरेक्ट बस पहले कोविड के पहले चला करती थी, अभी बंद हो चुका है। तो मैंने बस की इंक्वायरी करके रखी थी लुआंडा से DRC और अंगोला के बॉर्डर तक के लिए जो बॉर्डर मुझे क्रॉस करना था, तो वो बस थी 29 को शाम को लगभग 7:30 बजे। क्या बोला? गाड़ी यही है ना, बिल्कुल है ना। अच्छा ऐसा भी है, बाप रे गाड़ी है। ये लेना, पकड़ना कैमरा। लास्ट डे इन अंगोला। આપણે છે ને મોરો બેન તો માં પહેલા આફરી સૌદી કરીને હોસ્પિટલ છે। मेरा ये रिपोर्ट नेगेटिव मुझे हैंडओवर किया गया है संडे के दिन यानी आप सोचो 29 तारीख को लगभग शाम को 5 बजे। 15,000 इंडियन रुपीज का RT-PCR कोविड टेस्ट कॉन्गो कंट्री के लिए मैंने कराया सिर्फ एंट्री के लिए। अब आप सोचिए कि कितना ज़्यादा ये कॉस्टली पड़ रहा था ट्रैवल मेरे लिए। तो अंगोला कंट्री में DRC की जो एम्बेसी है वहाँ पे जब मैं वीज़ा इंक्वायरी करने गया हूँ, सिंगल एंट्री टूरिस्ट वीज़ा 30 डेज स्टे के लिए जो कॉस्ट मुझे बताया गया वो था $260। इसका अगर ब्रेकअप मैं आपको दूँ तो 10,000 फॉर्म भरने का, 1,000 उसमें जबकि लिखा हुआ था फॉर्म का, 10,000 वो आई थिंक अपने लिए घूस था वो जो बाद में मुझे पता चला, 60,000 अंगोलन क्वांजा एक्सप्रेस सर्विस के नाम पे, क्योंकि नॉर्मल वर्किंग डेज में वो वीज़ा 15 से 20 दिन में लगा के दे सकते हैं आपको, एक्सप्रेस सर्विस में 7 to 10 days ऐसा उन्होंने मुझे बोला, और $100 फी फॉर वीज़ा के लिए। टोटल देखा जाए तो $260 जिसका कॉस्ट होता है INR में लगभग 20,000 इंडियन रुपीज़। ऑलरेडी मैं 15,000 पे कर चुका था कोविड टेस्ट के लिए, 20,000 रुपये सिंगल एंट्री टूरिस्ट वीज़ा जो मुझे मिला हुआ है उसके लिए मैंने पे किया फाइनली। अब स्कैम यहाँ पे क्या हुआ वो मैं आपको बता देता हूँ। फॉर्म में एम्बेसी में लिखा हुआ था 1,000 अंगोलन क्वांजा, लगभग अगर आप देखोगे 250 to 300 इंडियन रुपीज हुआ जो कि आपको पे करना था उस फॉर्म का, प्लस $100 जो कि DRC की ऑफिशियल वेबसाइट पे प्राइस वहाँ पे लिखा हुआ है 30 डेज के लिए। बट 60,000 अंगोलन क्वांजा सर्विस के नाम पे 10,000 जो उन्होंने और लिया ये सब का सब ऑफिशियल नहीं है और उसके लिए वो आपको कोई रिसिप्ट भी नहीं देंगे। मेरे पास रिसिप्ट जो मुझे दी गई उसमें भी सिर्फ $100 और 1,000 लिखा हुआ है जबकि मुझसे लिया गया 1,000 प्लस 10,000 प्लस 60,000 प्लस $100, इतना अमाउंट लिया गया और मुझे रिसिप्ट मिली हुई थी सिर्फ $100 प्लस 1,000 अंगोलन क्वांजा की, जो कि 1,000 तो मैंने पे नहीं किया था, मैंने पूरा अमाउंट एक बार में पे किया। तो ये तो करप्शन बाद में मुझे पता चला, मैं कुछ बोल भी नहीं सकता था वहाँ पे, ये चीज़ें मैंने बाद में देखी जब मैंने पूछने की कोशिश की तो वो बोले कि आप बॉर्डर पे जब जाओगे तो दोबारा से आपको वहाँ पे करना होगा $20 से लेके $50-60 तक शायद वो आपसे मांगेंगे, वो जितना भी मांगेंगे आपको देना पड़ेगा, ये बाकायदा एम्बेसी में मुझसे बोला गया था। बॉर्डर अगर आप देखोगे तो अंगोला से DRC के 3 to 4 ऑफिशियल बॉर्डर हैं, 2 मेन इंटरनेशनल बॉर्डर हैं जो आप क्रॉस कर सकते हो। मैंने जो क्रॉस किया वो था लुवो प्लस लुफो, लुवो अंगोला साइड, लुफो DRC साइड। बस जो मैं लिया हूँ लुआंडा से लुवो तक के लिए उसके लिए चार्ज किया गया है 12,000 अंगोलन क्वांजा, लगभग ये आप $22 to $25 के आसपास हुआ जो मुझे चार्ज पड़ा है। उस बस को लिया हूँ मैं रात को 7:30 बजे, बस छूटी है यार लगभग 10 बजे एज यूजल अफ्रीका में जो लेट लतीफ़ी होती है हर जगह यार, क्योंकि सेंसिटिव एरिया था अंगोला। ऑलरेडी आपने कुछ स्टेटस देखा होगा और अंगोला के आने वाले वीडियोस में जहाँ पे मुझे ऑलरेडी अरेस्ट किया जा चुका था, तो इस वजह से मैं कैमरा बहुत ही सोच समझ के यूज़ कर रहा हूँ। और DRC में भी जब से एंटर किया हूँ मैं तब से अभी तक फर्स्ट डे तक में मैं बाहर कहीं भी कैमरा यूज़ नहीं किया। सुबह मैं पहुँचा हूँ लगभग 9 बजे अंगोला और कॉन्गो के बॉर्डर लुवो पे। वहाँ पे बॉर्डर पे जैसे ही पहुँचा हूँ
जो करप्शन मैंने देखा अपनी लाइफ में अभी तक इस 14 लैंड बॉर्डर क्रॉसिंग जो भी मैंने की है उसमें वन ऑफ द मोस्ट हाईलाइटेड और पीक पॉइंट पे करप्शन मैंने इस बॉर्डर पे देखा। अंगोला में मेरी एंट्री काफ़ी फ्रेंडली स्मूथ हुई थी नामीबिया टू अंगोला, बट अंगोला टू कॉन्गो जो एंट्री हुई, एग्जिट ऑफ अंगोला और एंट्री ऑफ DRC वन ऑफ द मोस्ट करप्टेड वे में हुई है। अब मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। पहला कि जैसे ही बॉर्डर पोस्ट पे पहुंचा हूँ अंगोलन साइड पे, तो हेल्थ चेक पॉइंट है जहाँ पे आपको रजिस्ट्री वगैरह अपनी करानी होती है डिटेल्स की। मैं वहाँ पे पहुंचा हूँ तो मुझे देख के वो लोग थोड़ा सा शॉकिंग हुए, मेरा पासपोर्ट वगैरह चेक किया और पुलिस ऑफिसर। अच्छी एक चीज़ ये थी कि रात में जिस बस में मैं बैठ के आया हूँ, मेरे साथ एक अंगोला का बंदा DRC किंसासा में भी रहता है बिजनेस वाइज, उससे मेरी थोड़ी सी फ्रेंडशिप हो चुकी थी, तो उसके टच में मैं हमेशा था और साथ साथ मैंने बॉर्डर क्रॉस किया उसके साथ ऑल द वे टिल किंसासा। तो उस बंदे के साथ मैं था, उसको आती थी पुर्तगीज, अपने को आता नहीं है। तो उस बंदे ने एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि भाई ये इंडियन है, ये ट्रैवलर है और ऐसे ऐसे ट्रैवल कर रहा है। वो अंगोला साइड के जो ऑफिसर थे उस लोकल बंदे से 2000 अंगोलन क्वांजा मांगे हैं, मेरे लिए भी और उसके लिए भी। मैंने उस बंदे को मना किया मेरा पे करने के लिए और मैंने खुद से भी बोला कि मेरे पास नहीं है, मैं पे नहीं कर सकता, ऑलरेडी मैंने पे किया हुआ है, और अगर मुझे पे करना पड़ा तो मुझे उसकी प्रॉपर रिसिप्ट चाहिए, जो कि वो लोग नहीं दे रहे। जब मैंने ये बात बोली तो वो लोग हंसने लगे और मुझे बोले ठीक है आप जाओ। ये रहा फर्स्ट, और उस वक्त उन्होंने मेरा RT-PCR कोविड टेस्ट का जो रिपोर्ट था वो चेक किया और उसके बेसिस पे उन्होंने मुझे एक फॉर्म दिया हुआ है, मैं आपको वो फॉर्म दिखाता हूँ। रिपब्लिक नो दो अंगोला, पहला चेक पोस्ट जब मैं क्रॉस किया हूँ, दूसरी जगह जहाँ पे RT-PCR कोविड टेस्ट वो लोग चेक कर रहे थे, हेल्थ चेक वाले, पहला सिक्योरिटी वाले थे जहाँ पे सिर्फ एंट्री डिटेल करनी थी, वो पुलिस कमांडोज थे अंगोलन के, उन्होंने ये 2000 अंगोलन को अंजाम मांगा डिटेल्स इंटर करने के लिए सिर्फ। उसके बाद जैसे हेल्थ चेक पॉइंट पे पहुंचा हूँ, उस जगह पे अपना जो येलो फीवर वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट है वो मुझसे मांगा गया, मेरा पासपोर्ट मांगा गया, वीज़ा है कि नहीं वो चेक किया गया और RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट। वो जब मैं हैंड ओवर किया हूँ तो उस बंदे ने दोबारा मुझसे बोला 2000 अंगोलन क्वांजा आपको पे करना है यहाँ पे, कि हमने आपका सारे डिटेल्स चेक कर लिया, वेरीफाई कर दिया, अब यहाँ से आप आगे इमिग्रेशन काउंटर तक प्रोसीड कर सकते हैं, इस बात के लिए आपको 2000 अंगोलन क्वांजा पे करना है। मैं हंसने लगा, मैं शॉकिंग में हो गया यार कि ये हो क्या रहा है मेरे साथ। वो साथ में लोकल बंदा था, फिर से मैंने उसको एक्सप्लेन की, लोकल बंदे ने पे किया मेरे सामने, मैं बाहर चलाया, उन्होंने मुझे बाहर कर दिया और उस बंदे को अंदर किनारे में ले जाके उससे पैसे लेते हैं और उसको रिसिप्ट देते हैं, मुझे भी देते हैं। और मुझसे फिर वो बंदा बोल रहा था कि नहीं नहीं आपको पे करना पड़ेगा, और उस बंदे ने लोकल वाले से ये बोला कि हमें ज़्यादा यहाँ पैसा नहीं मिलता है, तो हमें इसलिए खाने पीने के लिए पानी के लिए हमें ये चाहिए होता है। मैंने मना किया और मैं आगे बढ़ाऊँ। हम दोनों बंदे पहुंचे हैं अंगोलन के एग्जिट इमिग्रेशन पे, जहां पे मुझे एग्जिट करना था। वहां पे जैसे ही पहुंचा हूं तो पासपोर्ट देता हूं, RT-PCR कोविड टेस्ट देता हूं, येलो फीवर वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट और ये एग्जिट फॉर्म जो मुझे हेल्थ चेक पॉइंट से क्लियरेंस मिला हुआ था कि इसको आपको दिखाना है। जैसे मैं ये देता हूं तो सबसे पहले इमिग्रेशन ऑफिसर भी बैकग्राउंड बनाने लगे अंगोला के, कि आप RT-PCR कोविड टेस्ट और जो मेरा अंगोला का वीज़ा है उसका फोटोकॉपी लेके आइए। बाकायदे बाहर एक एजेंट बंदा बैठा हुआ था जो उन इमिग्रेशन ऑफिसर से मिला हुआ था, वो लोग उससे बोलते हैं कि इनका फोटोकॉपी करा के लाओ। मैंने बोला मुझे फोटोकॉपी जरूरत नहीं, मेरे पास है ऑलरेडी। तो दो ऑफिसर थे, दोनों आपस में बात करने लगे, लोकल बंदे का भी पासपोर्ट मेरे साथ ही लेते हैं, लोकल बंदे से शायद लोकल वाले बंदे के पास उनका, क्योंकि अंगोला टू DRC का क्या हिसाब किताब है वीज़ा का मुझे नहीं पता, उस बंदे से वो पैसे मांगता है। यहाँ पे उन्होंने मुझसे पैसे नहीं मांगे, बट ऑलमोस्ट वो डिस्कस कर रहे थे कि कुछ हेल्प करने के लिए मैं उन्हें पे करूं। मैंने साफ साफ मना किया। इतना होने के बाद वापस हम जाते हैं, दो पुलिस थे कमांडोस, जो कि कस्टम आप बोल सकते हो, नॉर्मल कस्टम, अफ्रीका का कस्टम ऐसा ही होता है कि आप सामान क्या लियो। मैंने बैग वगैरह अपना खोल के चेक कराया, उन्हें दिखाया। इसके बाद हम वापस बढ़ते हैं, ऑलमोस्ट आप मान चलिए कि 500 मीटर मैं वॉक किया हूं हम दोनों लोग, और अब जाके आता है नोमेंस लैंड एरिया। नोमेंस लैंड एरिया से पहले दो चेक पोस्ट फिर से थे अंगोलन साइड के, दो लेडी और एक ऑफिसर कमांडो वो बैठे हुए थे। वापस उन्होंने हमारा बैग चेक कराया, मैंने बैग दिखाया, कोई पैसे वहाँ पे वो लोगों ने नहीं मांगे। इसके बाद एक गेट आता है, जब आप बॉर्डर क्रॉस करोगे तो रिवर पड़ता है जो मेन नोमेंस लैंड एरिया है, उसके पहले एक लेडी बैठी थी वो फिर से डिटेल नोट करती है, उसके लिए भी उस बंदी ने 2000 मेरा और उस बंदे का अंगोलन को अंजा उस लोकल बंदे से मांगा, मुझसे नहीं।
मैंने पासपोर्ट दे दिया था, मेरा पासपोर्ट जमा कर लेती है, डिटेल फिल करती है और मुझे मेरा पासपोर्ट वो वापस नहीं दे रही थी। मैं बार बार उससे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ आप मेरा मुझे पासपोर्ट दे दीजिए, मेरे पास कोई भी कैश नहीं है, मैं आपको पे नहीं कर सकता। वो बंदी उस लोकल बंदी से हंस के बात करने लगी कि दीजिए। लोकल बंदे ने अपने लिए 2000 अंगोलन को अंजा पे किया। उसके बाद उस बंदे ने मेरा भी पासपोर्ट वापस लेके आता है मेरे पास मुझे देने, उस बंदी ने मुझे नहीं दिया। ये चीज़ आता हूँ जैसे करके थोड़ी देर पे ही वहीं बाजू में, यार आप सोचो कि दो पुलिस ऑफिसर फिर बैठे थे और अंगोला के ही थे। दोबारा वो चेक करते हैं कि अपना अपना सामान निकालिए। मैंने बोला भाई दो बार तो ऑलरेडी मैं चेक करा के आया हूँ, अब कितनी बार आप चेक करोगे। वापस वो लोग चेक करते हैं और चेक करने के नाम पे फिर से वो बंदे 2000 अंगोलन को अंजा उस बंदे से और मुझसे मांगते हैं और मुझसे बोलते हैं कि आप पैसे दो। आपको बिलीव नहीं होगा, मैं इतना ज़्यादा इरिटेट होने वाला था उस वक्त, इतना मुझे गुस्सा आ रहा था कि पहली बार इतना बॉर्डर पे देख रहा था कि हर बंदा पैसे मांग रहा है, हर बंदा लिटरली पैसे मांग रहा है। फिर भी मैंने अपने आप को कूल एंड काम समझाने की कोशिश की, कोई बात नहीं, मैं चुपचाप बिना कुछ भी ये समझ के कि मैं अनजान हूँ, मैं कुछ जानता ही नहीं हूँ, मेरे पास कोई पैसे भी नहीं है, जो भी आप करोगे ये मेरा पासपोर्ट है, अदरवाइज़ मैं आपके इमिग्रेशन जो चीफ होंगे मुझे उनसे बात करनी, ये मैंने सोच लिया था। मैं पैसे नहीं देता हूँ और फाइनली 10 से 15 मिनट उन लोगों ने वेस्ट किया, सारा सामान चेक किया और बाद में फाइनली हंस के जाने देते। नो मैंस लैंड एरिया में मैं आता हूँ और जैसे ही DRC कॉन्गो इन कॉन्गो का जो नो मैंस लैंड एरिया है उसको क्रॉस करके, यानी इन दोनों के नो मैंस लैंड एरिया को क्रॉस करके मैं एंटर करता हूँ DRC के साइड, 4 से 5 इमिग्रेशन ऑफिसर के जो मेन कमांडोज होते हैं सिक्योरिटी चेक पॉइंट करने वाले, वो लोग हमें रोकते हैं। मेरा पासपोर्ट तुरंत ले लिया जाता है क्योंकि लोकल बंदा था तो मुझे फ्रेंच, क्योंकि DRC की ऑफिशियल लैंग्वेज है फ्रेंच, बाकी लोकल लैंग्वेज हैं तो फ्रेंच में वो लोग बोल रहे थे। मैंने अपना पासपोर्ट, RT-PCR, कोविड टेस्ट, ये सारे डिटेल्स मैंने उनको हैंड ओवर किया। वो 4 के 4 कमांडो मेरे पास आए, लोकल बंदे से कुछ नहीं, मेरे पास आके मुझे वापस एक कैंप बना हुआ है वहाँ पे लेके जाते हैं, उस कैंप में बैठाते हैं और बोलते हैं, वो लोग मुझे बोलते हैं कि मेरा पासपोर्ट देखने के बाद ऑलरेडी जो मेरा वीज़ा, आप सोचो कि DRC के एम्बेसडर ने इशू करके दिया हुआ था अंगोला से, उसको वो लोग बोल रहे हैं इनवैलिड है कि ये आपका वीज़ा वैलिड नहीं है, क्योंकि अंगोला में आप वर्क परमिट पे नहीं हो, ना ही आप रेजिडेंस हो वहाँ के, तो DRC का वीज़ा आपको अंगोला में मिला कैसे। ये सवाल वो मुझसे करने लगे उस लोकल बंदे के थ्रू, क्योंकि उसको आती थी पोर्चुगीज एंड फ्रेंच दोनों, वो मुझे ट्रांसलेट कर रहा था। जब मैंने उसको दोबारा बुलाया उन कमांडोज के पास, तो मैं उसको उन ऑफिसर को एक्सप्लेन करता हूँ कि मेरा एक्सेप्शनल केस है, मुझे ऑलरेडी वीज़ा मिला हुआ है, दैट मीन्स आई एम अलाउड टू इंटर इन योर कंट्री, बाकी की जो डिटेल्स अगर आपको एंट्री रिक्वायरमेंट्स में चाहिए वो मैं सब कुछ देने के लिए तैयार हूँ। मेरे पास RT-PCR की कोविड टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट है, मेरा येलो फीवर वैक्सीनेशन कार्ड है, COVID-19 वैक्सीनेशन के तीनों बूस्टर के डोज मेरे पास हैं, उसका भी मेरे पास कार्ड अवेलेबल है, होटल की बुकिंग भी मेरे पास है, अब इसके अलावा आपको और क्या चाहिए। बाद में मुझे समझ में आया कि ये सारा कुछ भाई खेल हो रहा था बैकग्राउंड पैसा बनाने का। आप सोचिए 1 से 1.5 घंटे तक बैठाया गया मुझे उसी कैंप में, लोकल बंदे को भेज दिया जाता है आगे प्रोसीड करने के लिए, मुझे रोका जाता है, मेरा पासपोर्ट ले लेते हैं, मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स ले लेते हैं। अब वहाँ पे फिर मेरा हेल्थ चेक करने के बहाने, जो बंदा चेक कर रहा होता है रजिस्टर में मुझसे, ये मेरा जो येलो फीवर वैक्सीनेशन कार्ड था और कोविड की रिपोर्ट वो लेता है, मेरा डिटेल फिल करता है और उसके बाद बोलता है गिव मी $5। मैंने बोला क्यों, तो बोलता है टू रजिस्टर दिस डिटेल्स हियर and to proceed to the immigration counter. मैं हंसने लगा, मैंने बोला आई डोंट हैव एनी मनी, आई हैव ऑलरेडी पेड ऑल द रिक्वायरमेंट, जो भी मुझे आपकी एम्बेसी ने अंगोला में मुझसे मांगा था पे करने के लिए, वो सारा अमाउंट मैं ऑलरेडी पे कर चुका हूँ आपकी कंट्री में इंटर करने के लिए। नहीं मान रहे थे, 20 से 25 मिनट मेरा वेस्ट किया, मैं भी वहाँ से हिला ही नहीं, मैं बैठा रहा। मैंने कहा कि मेरे पास पैसे नहीं है, आप देख लो। 3 से 4 ऑफिसर आपस में, लेडीज़ भी थी और भी लोग थे उस कैंप में, बात करने लगे। फाइनली दोबारा मेरा उन्होंने जो मशीन से अपना यार कोविड वगैरह चेक करते हैं वो चेक किया और इन बिटवीन 1.5 से 2 घंटे में मेरा पासपोर्ट लेके जो इमिग्रेशन एंड माइग्रेशन का डायरेक्टर जनरल होता है उनके पास पासपोर्ट मेरा पहुँच चुका था और वापस मुझे एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन और इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है उनके चैम्बर में। 4 कमांडो आते हैं, उन 4 कमांडो के साथ मैं वापस इमिग्रेशन काउंटर का जो मेन बिल्डिंग है, डायरेक्टर जनरल का जो मेन केबिन था, केबिन से पहले एक 2 कमांडो बाहर बैठे थे, 1 कमांडो अंदर, उस केबिन में मुझे बैठाया गया। चारों तरफ कैमरा लगा हुआ था, आप सोचो, वहाँ पे मैं बैठता हूँ और 1 घंटे तक मेरे पास कोई भी नहीं आता है, लिटरली। आप सोचो कि 1 घंटे तक मैं बार बार ऊपर नीचे चारों तरफ देख रहा हूँ कि शायद कोई आए, कुछ बताए क्या हो रहा है। 1 घंटे तक मेरे पास कोई भी नहीं आता है, मैं बैठा रहता हूँ। 1 घंटे बाद
जो बंदा मेरा पासपोर्ट लेके उस डायरेक्टर के पास गया हुआ था वो आता है और मुझे बोलता है कि आपको अंदर चलना है। तो मुझे सैनिटाइज वगैरह कराया गया और बोला कि आपको कुछ भी नहीं लेके चलना है। मेरा जो मेन लगेज था दो, वो कस्टम के पास रख दिया गया था। लैपटॉप वाला जो बैग था वो मैं हमेशा कैरी करता हूँ, तो वो मैंने उनसे परमिशन लिया कि मुझे लेके चलना। बट मेरे उस भी बैग को उन्होंने बोला कि आप जो कमांडो वाला जहाँ पे कैमरे लगे हुए थे आप वहाँ पे रखिए, और जो भी आपको डॉक्यूमेंट्स लेने हैं अपने हाथ में लीजिए और हमें हैंड ओवर करिए, हम आपको लेके चलेंगे डायरेक्टर के रूम में। ये सारा कुछ होता है, मैं डायरेक्टर के रूम में फाइनली अंदर पहुँचता हूँ। और जैसे ही पहुँचता हूँ तो मुझे डायरेक्टर, अच्छी चीज़ थी कि इन सब बंदों में डायरेक्टर ये अकेला बंदा था जिसको अंग्रेजी आती थी और वो बात भी कर रहे थे। फाइनली वो मुझे बैठने के लिए बोलते हैं, काफ़ी कूल एंड काम से उन्होंने मुझसे पूछा कि आप DRC क्यों आए हो और वीज़ा आपको कैसे मिला। उनका एक सीधा सा क्वेश्चन था, आपको वीज़ा कैसे मिला। तो मैंने उनको बताया कि मैं ऐसे से ट्रैवल कर रहा हूँ और इंडियन एम्बेसी से ऑलरेडी कम्युनिकेशन है आपके कंट्री को, आप चाहें तो चेक कर सकते हैं। मेरा ये जैसे ही मैंने उनको ये चीज़ बोली, डायरेक्टर ने ऑलरेडी बोला कि हमने ऑलरेडी आपके एम्बेसी से और अपने एम्बेसडर से क्रॉस वेरीफाई कर लिया है, हमें पता है कि आप आ रहे हो, फिर भी हमें ये जानना है कि आप इस तरह से ट्रैवल क्यों कर रहे हैं और किनशासा में आप कहाँ रुकने वाले हो और यहाँ तक आप कैसे पहुँचे, यहाँ से आगे कैसे जाओगे और इंटेंशन क्या है। ये सारी चीज़ें उस डायरेक्टर ने मुझसे पूछी। मेरे पास और भी कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट्स थे, उसकी कॉपी उन्होंने मुझसे मांगी, वो उन्होंने सबमिट किया। अम्बेसडर से आई थिंक उन्होंने डायरेक्ट बात किया हुआ था कॉल पे, और अपने होम अफेयर्स को कॉल किया, मेरे सामने सिस्टम पे उन्होंने मेरी डिटेल्स चेक की और फिर बाद में पूछा कि यहाँ से आप कैसे जाओगे। ये सारा कुछ होने में मुझे लग रहा था कि ऑलमोस्ट वो लोग मुझे डिपोर्ट करने ही वाले हैं, क्योंकि अंगोला से मेरा एग्जिट हो चुका था, DRC एंट्री देने के लिए तैयार नहीं था। डायरेक्टर को फिर मैंने अपने मीडिया के जो क्लिप थे, मेरे जो न्यूज़ के इंटरव्यूज़ थे पिछली कंट्रीज़ में जहाँ जहाँ मैं ट्रैवल किया हूँ, उनके वीडियोज़ फ़ोटोज़ वो सारा कुछ दिखाता हूँ। मेरे दोनों पासपोर्ट, पुराना भी पासपोर्ट मेरा भर चुका, जो उस पूरे पासपोर्ट के हर कंट्री की जो वीज़ा और स्टैंपिंग एंट्री बॉर्डर पोस्ट पे लगी हुई है वो सारा कुछ वो फोटोकॉपी कराते हैं मेरे सामने। उन सब की कॉपी एक फाइल बना के सबमिट होती है डायरेक्टर के पास, और फाइनली डायरेक्टर मुझे बोलते हैं कि आप जाके अब अपना इमिग्रेशन प्रोसेस कंप्लीट करिए। मेरे साथ दो कमांडो नीचे इमिग्रेशन काउंटर पे भेजे जाते हैं, मेरा इमिग्रेशन वहाँ पे होता है, और कोई थंब और ना ही कोई आई डिटेक्शन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, वो सारा कुछ कमांडो ने किया। वापस मुझे लेके आया जाता है डायरेक्टर के केबिन में, और फाइनली मेरे पासपोर्ट पे DRC की जो स्टैंपिंग एंट्री होती है 30 डेज के लिए, वो मेरे पासपोर्ट पे दी जाती है। तो फाइनली डायरेक्टर ने बोला वेलकम टू DRC कॉन्गो। इतना कुछ होने के बाद अब आप सोच रहे होगे कि ये ईजी था, नहीं, इसके बाद भी जहाँ पे मेरा कस्टम होना था, मेरे दोनों लगेज रखे हुए थे बैकपैक, वहाँ पे जब मैं नीचे आता हूँ तो वो चार ऑफिसर भाई लिटरली खुलेआम बोल रहे थे कि गिव मी $50 फॉर चेक इन, हमने आपका लगेज चेक किया, ये किया है, अभी आपको आगे प्रोसेस करना है तो आपको $50 पे करना होगा। तुरंत मैंने जो मेरे पास दो कमांडो वो थे डायरेक्टर के केबिन के, मैं उनके पास जाता हूँ, मैंने उनको ये एक्सप्लेन किया कि दे आर आस्किंग मनी, आई डोंट हैव एनी मनी और मैंने ऑलरेडी वीज़ा के लिए पे किया हुआ है। वो कमांडो आई थिंक वापस आता है, उनको एक्सप्लेन करता है कि डायरेक्टर ने भेजा हुआ है तो आप इनसे पैसे नहीं ले सकते हो, तब जाके मेरा बैग मेरा लगेज मेरे हाथ में वापस किया जाता है। और उसी कमांडो ने जो मेरा साथ अभी तक दिया था वो लोकल बंदा, उसको वो वापस बुलाता है और बोलता है कि किनशासा तक आप इनको लेके जाओ सेफली, और जैसे ही आप किनशासा पहुँचोगे, डायरेक्टर ने खुद मुझे अपना नंबर दिया और बोला कि आप हमें इन्फॉर्म करिएगा कि आप सही सलामत किनशासा कैपिटल पहुँच चुके हो। ये रही भाई अंगोला कंट्री की एग्ज़िट और DRC कॉन्गो की एंट्री की कहानी और एक्सपीरियंस, जो मेरा अभी तक के जर्नी का मैं बोल सकता हूँ कि हॉरेबल एक्सपीरियंस था। हर जगह पैसे, हर जगह घूस, करप्शन एम्बेसी लेवल से लेके स्कैम भी बोल सकते हो इसको आप, और किनशासा में एंट्री होने तक की कहानी ये रही। मेरे पास बॉर्डर पे मैंने सिम कार्ड नहीं लिया, ना ही कोई इंटरनेट था, ना ही मैंने कोई करेंसी कन्वर्ट कराई। उस लोकल बंदे की हेल्प से फाइनली मैं डायरेक्ट किनशासा कैपिटल तक कल रात में लगभग 8 बजे पहुँचा हूँ। जब उस बंदे ने टैक्सी एक बुक की और किनशासा तक आने के लिए, यानी उस लूफो बॉर्डर से किनशासा तक का जो डिस्टेंस था वो लगभग 300 किलोमीटर आप मान चलिए, वहाँ से यहाँ तक हम आए हैं प्राइवेट टैक्सी करके, क्योंकि उस कमांडो ने उस बंदे को बोल दिया था कि आप इनको सही सलामत ले जाओगे। तो उस बंदे ने बोला कि मैं अगर अकेला भी जाता हूँ तो $120 उसको पे करना था
टैक्सी के लिए, उसने बोला आप हाफ जितना भी आपसे हो सकता है आप शेयर कर लेना। तो मैंने उस बंदे को फाइनली मेरे पास कैश देखा मैंने कल कि 55 US डॉलर थे, वो 55 US डॉलर मैंने उस बंदे को टैक्सी के लिए पे किया हुआ है, तब जाके फाइनली हम 8 बजे यहाँ पे पहुँचे। और लास्ट में मेरे जो होस्ट थे मैंने उनको कॉल किया और वो फाइनली मुझे पिक करने आए, और अभी ये जो घर देख रहा हूँ मैं उन्हीं के घर पे हूँ।